अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी। पाव भाजी भी सभी को बहुत ही पसंद होती है और ये बहुत ही स्पाइसी और टेस्टी बनती है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। चलिए तो हम देख लेते हैं हमें किन किन सब्जियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने ले ली है कुछ सब्जियाँ। हमने यहाँ पर लिया है एक मीडियम साइज़ का बैंगन और एक मीडियम साइज़ की फूल गोभी, एक मीडियम साइज़ की पत्ता गोभी और दो बड़े साइज़ के टमाटर और एक कप भरकर मटर। और यहाँ पर हमने 500 ग्राम आलू लिए हैं, उसके हमने छिलके निकाल लिए हैं और इसे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से धोकर काट लेंगे। हमने यहाँ पर कुकर को गर्म होने रख दिया है और सभी सब्जियाँ काट कर तैयार कर ली है। अब इन सब्जियों को कुकर में डालकर बॉईल कर लेंगे। और हमने यहाँ पर बैंगन भी लिया है, बैंगन से पाव भाजी बहुत ही अच्छी लगती है। सभी सब्जियों को हमने कुकर में डाल दी है। अब हम काटे हुए आलू भी डाल देंगे और दो गिलास पानी डाल देंगे। हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस दो गिलास ही पानी डालेंगे। और एक बड़ा चम्मच नमक और एक बड़ा चम्मच भाजी पाव मसाला डालेंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमने बॉईल करने में भाजी पाव मसाला डाला है, इससे सब्जियों में बहुत ही अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाएगा मसाले का। और हमारे चैनल पर नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। सभी सब्जियों को अच्छे से हिला लेने के बाद अब हम कुकर को ढक देंगे और फ्लेम को हाई ही रखेंगे और 3 सीटी आने तक हम इसे कुक करेंगे। और अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस पर। यहाँ पर हमने कढ़ाई को गर्म होने रख दिया है और अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल और ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप चॉप्ड की हुई प्याज और 1/2 कप चॉप्ड की हुई शिमला मिर्च। प्याज और शिमला मिर्च को हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। प्याज को हमें ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, बस इसे पिंक होने तक रोस्ट करेंगे। प्याज और शिमला मिर्च को रोस्ट करते हुए 2 से 3 मिनट हो गई है और प्याज सॉफ्ट भी हो गई है और उसका कलर पिंक भी हो गया है। देखिए, प्याज को हमें ऐसी पिंक कर लेनी है। अब हम इसमें डाल देंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पर हमने ले लिया है 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और हमने 2 से 3 हरी मिर्च ली है, इसको हमने चॉप्ड कर ली है और इसको भी डाल देंगे। और 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च से पाव भाजी में बहुत ही अच्छा कलर आएगा। और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1 बड़ा चम्मच पाव भाजी मसाला और 1 बड़ा चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल दें। हमने बॉईल करने में भी सब्जियों में भी नमक डाला है, इसमें भी डाल देंगे। और इन सभी मसालों को हम अच्छे से भुनेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर भुनेंगे ताकि हमारे मसाले जले ना। हम मसालों को अच्छे से भुनेंगे ताकि जो मसाले का कच्चापन है वो हट जाए। 3 से 4 मिनट हो गई है और मसाला अच्छा सा भून लिया है। अब हम लो फ्लेम कर सब्जियों को चेक कर लेंगे। अब हम कुकर को खोलकर चम्मच की मदद से सब्जियों को चेक करेंगे। अगर वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी तो यानी हमारी सब्जियां अच्छे से बॉईल हो गई। देखिए, सब्जियां हमारी अच्छे से मेल्ट हो रही है, यानी बहुत ही अच्छे से बॉईल हो गई है और ये 3 सीटी में ही बहुत अच्छे से बॉईल हो गई है। अब हम इसे पोटैटो मेशर से मेस्ट कर लेंगे। हमें सभी सब्जियों को अच्छे से मेस्ट कर लेनी है। जितने अच्छे से हम मेस्ट करेंगे पाव भाजी इतनी अच्छी बनकर तैयार होगी। हमने फटाफट से सभी सब्जियों को अच्छे से मेस्ट कर लिया है। अब हम चलते हैं कढ़ाई की ओर और हमने भुने हुए मसाले में डाल देंगे 1/4 चम्मच रेड फूड कलर। इससे पाव भाजी में बहुत ही अच्छा कलर आएगा और इसे मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमने मेस्ट की हुई सब्जियों को इसमें ऐड कर देंगे और मेस्ट की हुई सब्जियों को मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और स्ट्रीट साइड पर तो बड़े बड़े तवों पर पाव भाजी बनाई जाती है
और हमारे पास इतने बड़े बड़े तवे नहीं होते, इसलिए हम कढ़ाई में ही पाव भाजी बनाएंगे और स्टीट जैसा स्वाद लाने के लिए हम इसे तवे पर भी पकाएंगे। तवे पर पकाने से इसमें और भी ज़्यादा स्वाद बढ़ जाएगा और बहुत ही मज़ेदार पाव भाजी बनकर तैयार होगी। और हमने सभी मेस्ट की हुई सब्जियों को मसाले में अच्छे से मिक्स कर ली है। अब हम फिर से पोटैटो मैशर से इसे मेस्ट कर लेंगे। इस पॉइंट पर हम ज़्यादा मेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमने पहले ही अच्छे से मेस्ट कर ली थी और भाजी की कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी लग रही है, तो हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और 10 से 15 मिनट तक हम भाजी को अच्छे से पकने देंगे। दस से 15 मिनट हो गई है और भाजी में अच्छा सा उबाल आ गया है। अब हम इस पॉइंट पर डालेंगे उबले हुए मटर। ये डालना ऑप्शनल है और इन मटर को हम अच्छे से हिला लेंगे और मटर डालने से पाव भाजी में बहुत ही अच्छा लुक आ जाता है और हमें भाजी की कंसिस्टेंसी ऐसी रखनी है, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी बनी है। माशाल्लाह भाजी बनकर तैयार हो गई है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और यहाँ पर हमने तवे को गर्म होने रख दिया है और बटर बिगड़ तो पाव भाजी अधूरी होती है, इसलिए हमने डाल दिया है 2 बड़े चम्मच बटर। और बटर मेल्ट हो गया है, अब हम इसमें बनाई हुई भाजी को डाल देंगे। 2 से 3 मिनट तक हम भाजी को तवे पर पका लेंगे और इसमें डाल देंगे 1/2 लेमन का जूस। लेमन डालने से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। और 2 से 3 मिनट हो गई है, तवे पर पकाने से सेम स्ट्रीट जैसा स्वाद आ गया है भाजी में। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी भाजी वाले तवे पर हम डाल देंगे थोड़ा सा बटर और इस बटर को हम सभी तरफ अच्छे से फैला लेंगे। और यहाँ पर हमने पाव लिया है, इस पाव को हम बीच में से कट कर लेंगे और इस बटर में हम डाल देंगे थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और इस पर रख देंगे पाव और पाव को हम मीडियम फ्लेम पर हल्के से सेक लेंगे। पाव को हमने अच्छे से सेक लिया है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। माशाल्लाह हमारी स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी बनकर तैयार हो गई है, सेम बाजार जैसी बनी है। और हमने इस पाव भाजी के साथ थोड़ा सलाद भी रखा है और इस भाजी को हमने थोड़ा सा हरा धनिया और बटर से गार्निश करा है। सच में बहुत ही स्पाइसी और टेस्टी पाव भाजी बनकर तैयार हुई है। आप भी इस पाव भाजी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।